नेक्स्ट की हमने बात की थी कि इंसान खुश रहना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है। खुश या आनंद रहने के लिए जो मैंने आपको टूल दिया था, बताया था, उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिस करना है? क्या प्रैक्टिस करना है कोई बताएगा मेरे को? खुशी या आनंदित होने के लिए मैं खुश होना चाहता हूँ इसी समय पर, मेरे को खुशी कम आ रही है तो मैं अपने आप में आई वॉन्ट टू बी हैप्पी दिस वेरी मोमेंट एंड आई वॉन्ट टू फील ब्लिस दिस वेरी मोमेंट, तो मेरे को इसके लिए क्या करना होगा? एनीबडी कैन टाइप? वेरी गुड, ग्रेट आदित्य, हितेश, ग्रेटिट्यूड, करेक्ट करेक्ट, नहीं फॉरगिवनेस, नहीं, अभी आगे आएंगे। इसके लिए मुझे क्या, मैं क्या करना होगा? इसके लिए जो मैंने टूल दिया था आपका वो था ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड करने से क्या होता है, हमारी गलत फहमी होती है, बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको फिर से रिकनेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूं कि जब वो कुछ मेरे पास होगा तब मैं खुश होऊंगा। इसका मतलब वो मेरे पास होगा तब मैं खुश होऊंगा, तो इसका मतलब अभी मैं राइट नाउ आई एम नॉट इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और ब्लिसफुल। यदि मेरी अभी स्टेट हैप्पीनेस की नहीं है, ब्लिसफुल की नहीं है, तो ध्यान रख लीजिएगा वो कुछ मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। इसका मतलब यदि मैं हैप्पी नहीं हूँ, ब्लिसफुल नहीं हूँ, तो मैं इसका उल्टा हूं ना अपने अंदर में। और यदि मैं हैप्पी या ब्लिसफुल नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं दुखी हूँ। दुखी का मतलब मेरी वाइब्रेशन हाई होंगी या लो होंगी, आप में से कोई लिखे। यदि मैं दुखी हूं तो मेरी वाइब्रेशन हाई होगी या लो होगी? हाई है तो एच लिखें, लो है तो एल लिखें, एल, हाँ राज लिख रहे हैं, लो होगी वाइब्रेशन मेरी, लो होगी। लो वाइब्रेशन में यदि मैं हायर वाइब्रेशन की चीजें अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि वो कुछ मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे को अच्छा लगेगा, मेरा जीवन बदल जाएगा। इसका मतलब अभी तो मैं दुखी हूँ, अशांत हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, अशांत हूँ, परेशान हूँ, इसका मतलब मेरा वाइब्रेशन का लेवल लो है। लो है तो उस चीज को मैं कभी अपने जीवन में अट्रैक्ट नहीं करूंगा, मेरी समय, शक्ति और पैसा वेस्ट होगा, मुझे केवल असफलता हाथ लगेगी। इसका मतलब यदि मुझे वो चाहिए तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा? राइट नाउ अपनी स्टेट को, इंटरनल स्टेट को चेंज करना होगा। और अपनी इंटरनल स्टेट को चेंज करने के लिए इस समय मैं क्या करूं? मेरे तो मन में बैठा हुआ, मेरे को जो वो चीजें मिले, वो इंसान मिल जाए, वो पोस्ट मिल जाए, वो जॉब मिल जाए, वो बिजनेस चल जाए, वो चीज मिल जाए, वो पद मिल जाए, वो प्रतिष्ठा मिल जाए, वो मिल जाए, उसको मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। उसको अट्रैक्ट मैं कब कर पाऊंगा? तब मेरा वाइब्रेशन का लेवल हाई होगा। वाइब्रेशन का लेवल हाई तब होगा तब मैं अपने आप में अंदर में हैप्पी एंड ब्लिसफुल होऊंगा, अदरवाइज मैं उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। होल लाइफ आई विल हैव टू चेस, और मुझे असफलता और परेशानी हाथ लगेगी। उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट, ये मेरा रूटीन चलता रहेगा। इसका मतलब वो चीजें पानी है तो सबसे पहले मुझे अपने अंदर एक चीज को इंस्टॉल करना होगा। यदि कोई वो सॉफ्टवेयर आपको रन करना है तो उसके पहले एक बेसिक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना होता है। ऐसे होता है ना बहुत बार कंप्यूटर की, आज दुनिया में आप काम कर रहे हैं गैजेट्स में, वो सॉफ्टवेयर चाहिए तो उससे पहले एक बेसिक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में ये होना चाहिए, तभी वो सॉफ्टवेयर रन करेगा। एडवांस सॉफ्टवेयर चाहिए आपको रन करना तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन या बेसिक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए तभी वो रन करेगा, ऐसा होता है ना। इसका मतलब वो बेसिक सॉफ्टवेयर क्या है कि आपके अंदर हैप्पीनेस और ब्लिसफुल की स्टेट होनी चाहिए। लेकिन मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? मेरे पास तो वो आएगा तभी तो होगा, मेरे को ये नहीं मिल रहा है वो। अरे भैया तेरे पास जो है पहले उसमें तू थोड़ा सा लेंस लगा के देख, तुझे ये क्रिएट करना होगा। अभी तक तेरी हैप्पीनेस किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है तो वो डिपेंड करती रहेगी, तेरे जीवन में केवल अशांति होगी। तू पहले अपने अंदर अपने जीवन में ये देख कि अभी तेरे पास क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तेरे पास अभी जीवन है, तेरी सांस अभी चलती है, तू अभी जिंदा है। ये क्रिएट करने के लिए काफी है, ये काफी है क्रिएट करने के लिए, ये तेरे लिए क्रिएट करने के लिए काफी है कि आज की डेट में तू जिंदा है, तेरी सांस चलती है, तू देखता है, तू सुनता है, ये काफी है। इससे कम तो किसी के पास नहीं है ना। ये मैंने लिस्ट माना, जो इंसान सब कुछ खो चुका है उसके पास भी ये तो है ना, यस और नो? यदि उसके पास ये है, आप सुन पा रहे ना मेरी बात को, यस लिखिएगा, यस। यदि उसके पास ये है तो ये उसके लिए खुश होने के लिए काफी है। फील ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, कि ये तेरे पास है, ये काफी है, दिस इज मोर देन इनफ, यू कैन डांस दिस वेरी मोमेंट। तेरे पास जीवन है, और जिसके पास जीवन है उसके पास उम्मीद है। जब हम अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, अपनी अंदर की दुनिया को चेंज करते हैं,
व्हेन वी आर हैप्पी एंड ब्लिसफुल इन आवर इंटरनल वर्ल्ड, तो जिस चीज की हम पीछे पीछे भाग रहे होते हैं उसको पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, स्पिरिचुअली ऑलरेडी बताया जा चुका है सदियों से। इसके लिए क्या करना है, जो कुछ भी आज है आप वहां पर लेंस लगा करके देखें, आपके पास इतना कुछ है कि आप आनंदित इसी पल हो सकते हैं। और ये आपको करना होगा, ये आपको खुद समझना होगा, इसके लिए दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ खो जाने के बाद भी एक इंसान के पास जो चीज बचती है, हौसला, हिम्मत, उम्मीद, वो बहुत है। जैसे ही आपकी स्टेट चेंज होगी, जो चीज आप पाना चाहते हैं वो आपके लिए सहज हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड हमें प्रैक्टिस करना होगा। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने इमोशनल एनर्जी को पॉजिटिव रख पाएंगे। उसी मोमेंट आप फील करेंगे वो चीज। छोटी से छोटी चीजों में थैंक यू बोलने के कारण ढूंढिएगा। यूनिवर्स ने छोटी से छोटी चीज भी आपके लिए भेजी, किसी ने रास्ता भी दे दिया, उसने अपनी गाड़ी स्लो की, आप निकल गए, आपके पास रीजन है, आप थैंक यू बोल सकते हैं। यू हैव रीजन टू से थैंक यू।